वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज संस्कार एंड यू आर वॉचिंग एच डी बिट्स। सो सागर भैया, आज कौन सा वीडियो रहेगा? आज हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या में है कि सारे कस्टमर्स कॉल करके इलीगल सामान मांगते रहते हैं कि ये वाला टर्टल ला दो, वो वाला टर्टल ला दो। उनको जानकारी है कि नहीं है वो मुझे नहीं पता, बट एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है कि आप मुझे इलीगल टर्टल नहीं मांग सकते क्योंकि हम बेच ही नहीं सकते, इट्स इलीगल। और दूसरी समस्या ये आ रही है कि आपको कहीं से कोई इलीगल टर्टल मिल जा रहा, तो आप उसको घर ला दे रहे हो और फिर हमें कॉल करके पूछ रहे हो भैया इसको कैसे पालें। अब वो चीज़ हम बेचते ही नहीं है, कुछ भी नहीं करते, तो हम उसकी जानकारी नहीं रख सकते, ना हमें है उसकी जानकारी। तो आज में कौन कौन से टर्टल्स हैं जो इलीगल है, जो आपको नहीं रखना चाहिए घर पर, एंड क्यों नहीं रखना चाहिए और क्यों वो इलीगल है, गवर्नमेंट ने उसको क्यों बैन किया है, क्या कारण है, उस पर मैं आपको आज वीडियो बना रहा हूँ। उसके आज मैं आपको पूरा ब्रीफिंग बताऊँगा और वो भी फोटोज रहेंगे पूरे टर्टल के, तो आपको और क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा कि कौन से टर्टल बैन है। सबसे पहला और कॉमन टर्टल जो मिलता है इंडिया में वो है इंडियन रूफ टर्टल। अभी आपको पिक्चर उसकी दिखती होगी, ये बहुत ही कॉमन टर्टल है, बहुत ही पेट शॉप वाले अनएथिकली बेचते हैं। हम इसमें नहीं इन्वॉल्व हैं, हम लोग बेचते भी नहीं है इसको। बहुत बार पब्लिक को मिसगाइड करके बेचा जाता है, जैसा सिंगापुरी बोल के बेचा जाता है, कुछ लोग तो इसको रेड ईयर स्लाइडर बोल के बेच देते हैं, कुछ लोग इसको मलेशियन टर्टल, ऑस्ट्रेलियन टर्टल, कोई भी कंट्री का नाम जोड़ के बेच देते हैं। ये कोई दूसरे कंट्री का नहीं है, ये इंडिया का ही है। इसकी आप फ़ोटो देख लीजिए अच्छे से, इंडियन रूफ टर्टल इसको बोला जाता है। ये बैन है, आप अगर इसको रख रहे हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थ्रू भी, पुलिस वालों के थ्रू भी, इसको नहीं रखना चाहिए। और ये टर्टल एक बहुत ही बड़ा मिथ है, इसमें ये बोल के बेचा जाता है कि ये टर्टल कभी बड़ा नहीं होता। ये टर्टल भी सारे टर्टल्स की तरह बड़ा होता है, एटलीस्ट 15-18 इंच बड़ा होता ही है। ये मिथ के हिसाब से मत लीजिएगा कि ये छोटा ही टर्टल रहता है, कि हम छोटा ही रहना रखना चाहिए, सारे टर्टल्स बड़े होते हैं। और सेकेंड चीज़, इसको अपना हैबिटेट, घर का हैबिटेट नहीं जमता, ये टर्टल फूड वगैरह नहीं खा पाता। ये जो भी खाएगा, जहाँ जंगली सब मिलता है वहाँ पे सब मिलता है, हैबिटेट में उसको सब मिलता है, वो खाता है। जैसे स्नेल्स हो गए, श्रिम्स हो गए, वहाँ पे उसको सब कुछ मिलता है, आपके घर पे इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी इंडियन फ्लैपशेल टर्टल है, इंडियन फ्लैपशेल टर्टल ये रिवर्स वगैरह में, कैनल्स वगैरह में मिलने वाला टर्टल है। इसका मुंह पिक जैसा दिखता है, आप देख रहे होगे अभी पिक्चर आ रही है। ये भी इलीगल टर्टल है, ये बहुत ही कॉमन है। ये लोगों को कभी आप रेनी सीज़न में या फिर जैसा अभी समर सीज़न में, जैसा पानी कम है, दूसरा पानी ढूंढने के चक्कर में दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। कभी कभी ओवर फ्लडिंग में, रेन में, बारिश में निकल आते हैं नालों में से, उस टाइम पर लोगों को मिलता है ये टर्टल। अगर आपको मिल जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो आपको इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे देना है। अगर आपको उसका हैबिटेट पता है तो वहाँ छोड़ देना है, आपको आपके घर पे नहीं रखना है। और बहुत लोग मुझे कॉल करके ये पूछते कि भैया अभी मिला है तो अभी हमको पालना है तो कैसे पालूँ। भैया मुझे तो जानकारी नहीं है, मुझे ये चीज़ मत पूछिए। और सेकेंड चीज़, ये चीज़ आप पाल नहीं सकते घर पर, क्योंकि बहुत इसका जो हैबिटेट है पूरा कीचड़ वाला है, आप आपके घर में कीचड़ नहीं बना सकते। तीसरा टर्टल मैं आपको बताऊंगा, उसका नाम है इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल। इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल सेम फ्लैपशेल टर्टल जैसा दिखता है, इंडियन पॉड टर्टल भी बोलते हैं, ये भी बहुत कॉमन टर्टल है। ये भी लोगों को उसी तरह से मिलता है जिस तरह से फ्लैपशेल टर्टल है। दोनों में सिमिलरिटीज़ है, थोड़े थोड़े मॉर्फोटिक कैरेक्टर्स अलग अलग है। इसको भी सेम तरह से रखना नहीं चाहिए, इलीगल है, वेरी बैड है इसको रखना। प्लीज़ उसको आप अपने घर पे मत लाइए, जहाँ पे नेचर में है वहाँ पे रखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को दे दीजिए और घर पे मत रखिए। फोर्थ टर्टल, ये दिखने में बहुत इंटरेस्टिंग टर्टल है, बहुत प्यारा है, पर नेचर में बहुत अच्छा दिखता है, अपने घरों में नहीं। इसका नाम है इंडियन स्पॉटेड टर्टल, हैमिल्टन टर्टल, दो तीन नाम से जाना जाता है। ब्लैक कलर का रहता है जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो। ये भी इलीगल टर्टल है, इसको नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही बुरी तरह से इंडेंजर्ड हो गया है।
अभी वाइल्ड में तो मिल ही नहीं रहा है, लोगों के पास लोगों ने बहुत इसको थ्रेट किया है कि फॉरेस्ट से निकाल के लाए, पकड़ के लाए, ये चीज़ भी नहीं रखनी चाहिए। ख़तरनाक मतलब इसका हैबिटेट आपके घर पे नहीं बन सकता। पांचवा टॉर्टोइज है, इंडियन स्टार टॉर्टोइज, ये बहुत लोग मांगते हैं, पता नहीं क्या है इसमें, इलीगल है, नहीं रखना चाहिए, बैड है ये। इंडियन स्टार टॉर्टोइज में रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत है, और अगर आप इसके साथ पकड़े गए या फिर इसके आपके घर पे मिला, आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। पिक्चर में आप देख सकते हैं, प्लीज़ ये टॉर्टोइज को अपने घर मत लाइए, क्योंकि इसकी प्रजाति बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ हो गई है। एंड मैं ये वीडियो को इससे ऐसा भी कंक्लूड कर रहा हूँ, बहुत सारे और वराइटीज़ है, जो भी टर्टल आप खरीद रहे हो या फिर देख रहे हो, पहले उसकी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। अभी तो गूगल लेंस आ गया है, तो गूगल लेंस पे आप क्लिक करके वो टर्टल को स्कैन करके आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एक्यूरेट वाली कि कौन सा है वो। प्लीज़ कोई भी शॉप वाला मतलब अगर बोल रहा है कि इंडियन रूफ टर्टल ही रेडियस स्लाइडर है तो मत खरीदिए, बहुत सारे मेरे कस्टमर्स हैं जो उन्होंने मेरे को ये बात बताई है कि वो बंदा रेडियस स्लाइडर बोल के बेच रहा है, ऑस्ट्रेलियन बोल के बेच रहा है, लूँ क्या? वो आपके ऊपर है, मैं उसमें मना कुछ नहीं कर सकता, आपका पैसा लग रहा है, बट कोई बुरे काम में साथ नहीं देने की मैं ये दूंगा, सलाह दूंगा, मेरा उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ रिस्पॉन्सिबल पेट शॉप ओनर। और नेक्स्ट चीज़ है, ये सारे टर्टल्स टॉर्टोइज मत डील कीजिए, इस ट्रेड को मत सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके ये ट्रेड को आप अवॉइड कीजिए। मतलब अगर ये सब चीज़ें अगर नहीं खरीदोगे, नहीं लाओगे, तो ऑटोमेटिकली जो बंदे ये सब स्मगल कर रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ में जाके माल ला रहे हैं, ये सारा बंद हो जाएगा। आपके ऊपर है, ये अवेयरनेस वीडियो उस वजह से बना रहे हैं कि पूरा आपके ऊपर है। एक बार आप डिमांड बंद कर दोगे, सप्लाई आना भी बंद हो जाएगी, आपकी डिमांड की वजह से ही ये प्रॉब्लम चल रही है। सो वीडियो ख़त्म करने से पहले सागर भी आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एड्रेस शेयर कर लो। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेम है, 9987928241। ये नंबर व्हाट्सएप करिए मैसेज, आपको जो भी इंक्वायरी है एक व्हाट्सएप मैसेज शूट कर दीजिए, शाम में रात में दो दिन के बाद एक दिन के बाद आपको रिप्लाई मिल जाएगा। हमारे पास तो ऐसा बंदा नहीं है कि आप बैठ के मैसेजेस का रिप्लाई करते रहे। और सेकेंड कॉल मत कीजिए, कॉल हम मोस्टली उठा नहीं रहे आजकल, और सेकेंड कॉल्स हम लोग बात नहीं कर पाते, दुकान का टाइमिंग भी कम है, दूसरे काम रहते हैं, मेंटेनेंस रहता है कस्टमर्स के, बहुत दौड़ भाग रहती है, डिलीवरीज रहती है। अभी कैसा हो गया, पहले जो काम हम 12 घंटे में करते थे, हमको आज 4 घंटे में करना है, तो समझ लीजिए 3 टाइम्स का काम आपको 1 टाइम में करना है, तो आप मुझे लगता है समझ सकते हो। और एड्रेस डिटेल्स, मेरे शॉप नंबर 2 सर्वोदय अपार्टमेंट, गूगल पेड मार्केट, पुलिस चौकी के सामने। शॉप का नाम गूगल करना धर्मपेड एक्वेरियम, या फिर मेरे नंबर को गूगल करना, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। बिल्कुल। सो एनीवेज आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ऐसे मत जाइएगा। टेस्ट टाइम वेट के मान जाए अगली वीडियो, तभी मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।